बजे तक आए हुए थे कि भाई ने मजदूरी उठा ली थी, मिल गए फिर। क्यों भाई माफी दे दे उन्हें। हाँ मौके तो खड़े गए ने हैं। दुपट्टा नीचे हुए आप चेक करना कि अगले लोगों बसों की ब्रेकें लगा लगा के बाजी को कह रहे हो तो बाजी दुपट्टा उठा रहे ना, वरना चेन में आ जाओगी। आप रोड के ऊपर चल रहे हो, आपका स्टैंड जमीन के ऊपर लगा हुआ हो तो देखना। मरीजों वेलकम टू द न्यू व्लॉग। अच्छा मरीजों, आज जुमे तो विदा है तो सब लोग अपनी अपनी दुआओं में हम लोगों को बहुत बहुत याद रखना। अच्छा थोड़ी सी लाइट तो हो रही है। सब लोग अपने अपनी दुआओं में हमें बहुत बहुत याद रखना। यार बात आज ये है कि इबादतों का ना स्पेशली एहतमाम करना है। एक और मैं बात बताऊंगा आप लोगों को कि ना आज हम अपने ऑफिस से आगे ना अपने कामों को ना वाइंड अप करने वाले हैं। ना भी हो सके ना तो हम उनको क्लियर कर लेंगे जबरदस्ती। ऑफिस आके आज आपको रूटीन बताते हैं। बस अब जुमे का टाइम काफी होने वाला, इंशाल्लाह ताला फिर जुमा पड़ने के बाद ऑफिस के काम स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि क्या चल रहा है। अच्छा मरीज, आपको ना साथ एक्सीडेंट नजर आ रहा था, वो देखो आगे एक्सीडेंट हुआ था। तो ना पाकिस्तानी भाइयों के ना हमारे एक खास बात ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ना वो किसी को ना गिरा नहीं रहने देते। आप रोड के ऊपर चल रहे हो, आपका स्टैंड जमीन के ऊपर लगा हुआ हो तो देखना पूरा का पूरा रोड आपको इशारे कर करके मार देगा कि आपका स्टैंड नीचे है, स्टैंड नीचे, स्टैंड नीचे है। ये हमारा तंग करना नहीं होता, ये हमारा प्यार होता है आप लोगों के साथ। उसके अलावा कोई बाजी नजर आ जाए जिसका दुपट्टा नीचे हो आप चेक करना कि अगले लोगों बसों की ब्रेकें लगा लगा के बाजी को कह रहे हो तो बाजी दुपट्टा उठा देना वरना चेन में आ जाओगी। तो मैं मतलब बेसिकली ये चीज़ कह रहा हूँ कि अभी वो बंदा जैसे गिरा था, मुझे लगता है शायद रोजे की वजह से गिरा था या पता नहीं उसको क्या हुआ था, चक्कर आ गए थे तो पूरा का पूरा रोड वहाँ पे रुक गया था उस बंदे को ना सपोर्ट करने के लिए। तो ये चीज़ मुझे लगता है सिर्फ आपको ना पाकिस्तान में मिलेगी कि एक पर्सन 5 मिनट के लिए भी रोड पर ना गिरा नहीं रह सकता हमारे यहाँ पे, हमारे होते हुए। माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है ये हमारे कल्चर की ना। हर कल्चर के अंदर ये चीज़ें नहीं होती। हर बंदा मतलब कोशिश कर रहा होता है कि ना अवॉइड करे, हर बंदा ये ट्राई कर रहा होता है कि यार आपके बात कम से कम हो और अपने काम से काम रखा जाए। लेकिन पाकिस्तानी हम लोग ऐसे हैं कि भाई तूने अगर कोई बात करनी है ना तो हम 10 बंदों को बता के कर, वरना तुझे अकेले फैसला तो हमने नहीं लेने देना। आप लोगों को ना याद होगा कि एक ना ब्रिटिश मीम थी इस टाइप की, या फिर उन्होंने ना कोई व्लॉग वगैरह शूट किया हुआ था कि ना एक पर्सन खड़ा हुआ होता है कि फ्री हग्स वगैरह के लिए, कि उसने लिखा होता है आगे कि ना फ्री हग्स आई एम डिप्रेस्ड। तो उस बंदे को ना कोई मुंह नहीं लगा रहा था वहाँ पे पूरे के पूरे ब्रिटिश कम्युनिटी के अंदर। तो मैं कह रहा हूँ कि ये वाला इस टाइप का कोई एक बंदा उर्दू में या पंजाबी में यहाँ पे लिखा हो ना कि मैनू सिर पीड़ है तो मैनू हग करो, तो हम लोग उसको इतना हगेंगे कि वो दोबारा कोई इस टाइप का पोस्टर लगा के नहीं खड़ा होगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि हर कल्चर के अंदर ना कुछ वैल्यूज और नॉर्म्स होते हैं। हमारा कल्चर ना बहुत डिसेंट और बहुत माशाल्लाह मजे का कल्चर है कि हर किस्म का बंदा, हर रंग का बंदा, हर किस्म का रंग बाज आपको फुल रंगों वाला बंदा आपको मिलता है। पूरे पूरे रेनबो फिर रहे होते हैं यहाँ पे। ऑल्टो काम आ रही है यार, अभी आपसे बातें करते करते ऑल्टो हमारे करीब आ गई। खैर बैक टू द जर्नी कि हम दोबारा से अपना ढूंढ रहे हैं कि हम लोगों ने कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़नी है। अल्लाह करे हमें जुमा मिल जाए। मरीजों जो मुझे रोड का हाल नजर आ रहा है ना, ये चीज़ लग रही है कि ना 2-4 जगह पे ना जुमा हो भी चुका है ऑलरेडी। पता क्या करते हैं, ऑफिस आने से पहले ही ना कोई रस्ते में अगर मस्जिद हमें मिलती है ना तो वहीं पर ही जुमा पढ़ लेते हैं। तो जूतियाँ अपनी पहनते पुरानी सी है, अगर चोरी भी हो जाए ना तो कोई इतना खास मसला नहीं होता। तो यहीं पर ही कोई देखते हैं आसपास मस्जिद वगैरह के अंदर ना, यहाँ पर अगर कोई मस्जिद वगैरह है ना पास तो यहीं पर ही पढ़ लेते हैं। फिर हर बंदा ना वापस आ रहा है, गले चले मिल रहा था एक दूसरे से। मैंने कहा लो जी ये तो ईद ही ना हो गई हो तो मुझे पता भी नहीं है। जो ये UMT वाली मस्जिद है ना, यहाँ पर जुमा अभी होने वाला है। ये देखो यहाँ पे ना रश वगैरह भी कम है और आसपास ना लोग नहीं और अभी जुमे के लिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ना ये हमारी अपॉर्चुनिटी है। गाड़ी जल्दी से क्लिनिक के ऊपर खड़ी करते हैं और जल्दी से भागकर यहाँ पर रात के जुमा वगैरह पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी तो हम पार्क कर नहीं सकते पाकिस्तानी भाई हमारे क्योंकि हमारे पास चाबियाँ बहुत ज़्यादा होती है ना। हर पाकिस्तानी भाई के पास कोई ना कोई चाबी होती है और वो चाबी को हम लोगों को अगर गाड़ी के अंदर नहीं लगाना तो हमें कहीं ना कहीं तो लगाना होता है, घुसाना होता है। और अगर गाड़ी के अंदर चाबी गलत जगह पे घुसे तो आपको पता स्क्रैच आ जाता है, गाड़ी का अच्छा खासा कबाड़ा हो जाता है। तो अच्छे सेफ जोन के अंदर अपने गार्ड्स के पास पार्क करके वापस भाग कर आते हैं जल्दी से। कितने अच्छे देखो हर बंदा लड़का नजरें झुका झुका के घूम रहा है कि किसी गलती से लड़की के ऊपर नजर ना पड़ जाए हमारी। आप समझ तो गए होंगे हम कितने शरीफ लोग होते हैं ना यार। देखो हर लड़का बेचारा अपने काम से काम रख के क्यों करके घूम रहा होता है कि जैसे उसका दुनिया से कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है। लो जी हमारा क्लिनिक भी आ गया, गड्डी पार्क करते हो निकलते हैं फिर। लो जी पार्किंग हमें मिल गई है, ये जुमा वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है चलो जी जुमा पढ़ने निकले फिर, बल्कि क्लिनिक से चक्कर लगा के निकलते हैं फिर जुमा पढ़ने के लिए। ठीक है कैसे हैं और जनाब बेहतरीन? ओके जी निकलते हैं फिर। चलें जी बहरहाल बैक टू द क्लिनिक और यहाँ पर ये डायटिशियन डॉक्टर
खतीजा मेहरा विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। और आपको तो पता है कि हम लोग अपने टाइम पे कितने ज़्यादा पाबंद हैं। ये बाकी हमारे ये भाई, आपका क्या नाम था? मोहम्मद इब्रार इकराम। ये मोहम्मद इकराम साहब हैं, ये हमारे सैम्पल कलेक्टर हैं। वो डॉक्टर इफ्रा मेहरा, डॉक्टर वरा मेहरा और ये डाइटिशन ज़ुबैदा जो साइड के ऊपर रूस के बैठी हुई हैं जुमे के टाइम पे। चले जी जुमा पढ़ लेते हैं। सज्जाद साहब भी आ गए हैं यहाँ पे। अपने क्लिप को हाई नहीं किया यार लोगों को, लोग क्या सोचेंगे? नहीं यार सज्जाद आपसे नाराज़ नहीं है, सज्जाद सिर्फ ना थोड़ा सा सोच में घूमे किसी में। यार जुमा कितने बजे यहाँ पे? दो बजे। दो बजे तो बहुत टाइम है। ठीक है, हम मुझे लगता है हम टाइम पे पहुँच चुके हैं। हम जुमा इंशाल्लाह ताला पढ़ के दिखाएंगे आपको आज। लो जी जुमे के लिए निकलने लगे हैं बस। और मुझे लगता है काफ़ी देर का टाइम ऑलरेडी हो चुका है। तक आए हुए थे ये भाई ने मजदूरी उठा ली थी, मिल गए फिर क्यों भाई माफी दे दे उन्हें। हाँ मौके तो बड़े गए ने हैं। यूएमटी बसेस टेकिंग ओवर पाकिस्तान है, ये वाला एरिया स्पेसिफिकली हमारा आरएनडीसी। और फाइनली सिस्टम पर काम कंप्लीट हो चुका है। लो जी चेक करें यहाँ पर, ये सब कुछ करना पड़ता है। मैं देखने वाला ने इतना मेहनत की यहाँ पर है ना, कितनी मेहनत की वाला तुमने? बहुत ज्यादा की है ना। ये देखें ये हमारे भतीजा मेहनत कर रही है यहाँ पे, ये ट्रेडिशन से ज्यादा मेहनत की है, फिर उसके खड़ी हुई है और ये है यहाँ पे। हम देखें पूरा दिन काम करते रहते हैं, पूरा दिन आप लोगों की खिदमत में काम करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, लेकिन तुम मरीजों तुम ठीक ना होना। चले ठीक है जी, अब नेक्स्ट वर्किंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से मिलते छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।